वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। वज़ीर-ए-खज़ाना इसहाक डार और वज़ीर-ए-ताप मरियम औरंगज़ेब ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उम्रे की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म ने हजरा अस्वद को बोसा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने अरशद शरीफ से मुतालिक नामुनासिब ट्वीट पर मुआफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा है कि मेरे ट्वीट का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था। ट्वीट से गमजदा लोगों को कोई तकलीफ पहुंची है तो मुआफ़ी चाहती हूँ। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। आज पाकिस्तान में भी उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जबकि तहकीकाती टीम कीनिया भी जाएगी। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होगा। बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को मुसल्लत किया गया। हमारी हुकूमत के खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च हुए, मेरे ऊपर दर्जनों FIRs काटी गईं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च तक क़याम पंजाब में होगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान जुमे तक पंजाब में अवामी राबता मुहिम चलाएंगे और लॉन्ग मार्च की तैयारियों को लाहौर से मॉनिटर करेंगे। हर ज़िले से 6,000 कारकुनान को लॉन्ग मार्च में लाने का टास्क। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाइस मजीद एक मरीज जान बहक हो गया। मजीद 52 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 43 की हालत तशवीशनाक। केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई।